फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे दम आलू। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और छिल लिया है। अब मैं फोर्क के हेल्प से इस पे अच्छे से इसको ऐसे इसमें छेद करूंगी जिस आलू के अंदर तक अच्छे से जा सके। तो ऐसे ही हम लोग सारे आलुओं को फोर्क की हेल्प से छोटे छोटे छेद कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सारे आलू अच्छे से पीन हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में ये दम आलू बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए हो सके तो आप लोग सरसों के तेल में ही इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने आलुओं को बहुत ही संभाल के डालेंगे जिससे कि तेल बाहर छिटा न मारे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आंच को लो मीडियम पे रखिएगा, ना बहुत ज्यादा ना एकदम कम कर दीजिएगा, मीडियम पे रखिए। ये देखिए हमारा आलू हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा अमचूर डालेंगे। ये सारी चीजें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। जब तक हम अपने आलुओं को यहाँ पे मैरिनेट करके रख देंगे और यहाँ पे मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया हुआ है, 7 से 8 लहसुन की कलियां ली हुई है, 1/2 इंच अदरक का और 2 हरी मिर्च। इन सबको मैं ग्राइंड करूंगी और 1 बड़ा टमाटर, इसकी मैं प्यूरी बनाऊंगी। चलिए फ्रेंड, पहले इनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना दम आलू बनाना। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है। तेल को गर्म होने देंगे। इसमें फिर हम थोड़ा सा 1/2 चुटकी हींग डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, कुछ खड़े मसाले हैं जैसे बड़ी इलायची, 2 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, 1 छोटी इलायची और 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे 1 मिनट तक, जब तक हमारा जीरा जो है वो अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। अब देखिए जीरा हो चुका है। अब हम इसमें अपने प्याज की जो पेस्ट बनाई है इसको डाल देंगे। अब हम धीमी आंच पे प्याज को अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। हमारा प्याज जो है वो कलर चेंज कर रहा है। प्याज जो है आपका वो अच्छे से भूनना चाहिए जिससे कि इसका कच्चापन पूरी तरह से दूर हो जाए। अब हम इसमें अपने टमाटर की प्यूरी को ऐड करेंगे। मैंने 1 टमाटर की प्यूरी बनाई थी, उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इस प्याज को पकने में 3 से 4 मिनट लगेंगे अगर आप इसको धीमी आंच में पकाते हो तो। अब 1 मिनट तक हम टमाटर को भूनेंगे, उसके बाद इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक ध्यान रखिएगा, आपने अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालिएगा।
साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितना आपको तीखा खाना हो। एक चम्मच धनिया का पाउडर, धनिया का पाउडर थोड़ा ज्यादा डालते हैं इसमें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी हो जाता है। सारे सूखे मसाले मैंने डाल दिए हैं, अब इनको मैं एक मिनट तक पकाऊंगी। मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें अपना आलू को डाल देंगे। और मसालों के संग आलू को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही में डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें पानी। ग्रेवी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ज्यादा या कम। अगर आपको राइस के संग खाना है, पुलाव के संग खाना है, तो आप थोड़ा ज्यादा ग्रेवी कर सकते हो। पूरी और रोटियों के संग खाना है, नान के संग खाना है, तो आप ग्रेवी कम कर सकते हो। इसमें हम ऊपर से डालेंगे कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है गाइस, जरूर डालिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। साथ में डालेंगे हम एक चम्मच गरम मसाला, एक से डेढ़ चम्मच। आप जिन्होंने कसूरी मेथी डाला हुआ है, कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और एक से डेढ़ चम्मच आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हो। इसके बाद इसको आप अच्छे से बॉईल होने तक पकने दीजिए। थोड़ा पानी मैंने और डाला है, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं इसको राइस के संग सर्व करने वाली हूँ। यम्मी सी दम आलू बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी डिश डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।